वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। रिपोर्ट होने वाला अंकल उड़ जाओगे। ओहो भाई ड्यूक वाला भाई डिलीवरी करते हुए। सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल विराट राइडर भाई। आज का आप लोग बहुत ओके की रिपोर्ट होने वाला अंकल उड़ जाओगे। तो भाई वेरी 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 गुड मॉर्निंग भाई। ओह भाई बच गया। सुबह सुबह का टाइम है भाई लोग ब्लॉक की एकदम स्टार्टिंग एंड रोड ना बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। सुपर एंड सुपर लीन वाला रोड है भाई। अभी अभी भाई सुबह सुबह तुम्हारे भाई को पता चले कि ना सिम्बा के टायर में ना हवा कम है या फिर पंचर है यार। मैंने बहुत दिन से टायर नहीं देखा था यार, ना इसमें हवा और भाई ना पंचर ठीक करवाया। भाई क्या कर रहा है, इसका पंचर दिखा दू यार। इसकी ना हवा ना बहुत ज्यादा कम लग रही है और बीच में थोड़ा बहुत ना लग रहा है यार। इसी हवा वगैरह कम है दिखना भाई, टायर ना हल्का हल्का दब रहा है बट इतना नहीं लग रहा मेरे को ना। बंदे ही टोक रहे हैं और कोई नहीं टोक रहा। बाकी बीच सिम्बा पहले के हिसाब से ना बहुत ज्यादा भारी चल रही है, पता नहीं क्यों यार। अरे चक कट गया चलान सुबह सुबह। Hi sir, how are you? I am fine. You tell something. Oh, भाई ऐश और आराम वाली जिंदगी है भाई, क्या बात है। बाकी भाई इसका कटोरा गिर गया यार। भाई लोग अभी टाइम हो रहा है 10:15 एंड शुरुआत बहुत ज्यादा जाम से हो रही है तो हम जरा सा साइड में ले लेंगे बिकॉज ज्यादा तुम्हारा भाई जामों में घूमता नहीं है। इतना भाई ताकत नहीं है मेरे में कि जाम में जाए। बाकी भाई कड़ाके की धूप में खड़ा तुम्हारा भाई, धूप ही धूप है, परछाई देख के पता चल जाएगा तुम्हें यार। तो अभी तुम्हारे भाई को ना यार कंटेंट ढूंढने में ना बड़ी उत्पत्ति हो रही है यार। मैं इसी चक्कर में एक दो दो दिन आ नहीं पा रहा, मेरे को कंटेंट ही नहीं मिलता यार, क्या करूं मैं। मेरे को आज भी कंटेंट नहीं मिला लेकिन मैं आज उठ के आ गया बेशर्मों की तरह यार घर से। बिकॉज मैंने कहा था मेरे भाई लोग ऐसे फ्री बैठे हुए, थोड़ा मेरा ब्लॉग देख के अपना टाइम को वेस्ट कर लेंगे तरीके से। बाकी भी तुम्हारा भाई ने एक नए लेवल पे ना चैनल क्रिएट करने जा रहा है भाई, और ये लेवल ना भाई कोई छोटा मोटा लेवल नहीं होने वाला, ये लेवल होने वाला पूरे इंटरनेशनल लेवल भाई। एंड भाई अब विराट राइडर ना अंग्रेजों के लिए बनने वाला भाई, इंग्लिश में भी बनने वाला, अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए तो बहुत है लेकिन अब प्यारे से बोले से अंग्रेजों के पास भी आ रहा तुम्हारा भाई। भाई लोग इसमें तुम्हारा भाई ना कोई नई वीडियो नहीं बनाएगा, जो ये वीडियो क्रिएट करेगा हिंदी में इसी का इंग्लिश वर्जन डाल देगा बस। उसमें ना मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ भाई, धमकी समझे कुछ भी समझे भाई लोग हंसना मत भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, क्योंकि मेरा इतना अच्छी इंग्लिश नहीं है, फ्लुएंट वगैरह नहीं है लेकिन इतनी तो है कि मेरे को बहुत तरीके से आती है कि मैं उसमें इंग्लिश बोलना चालू करूंगा और भाई कोई नहीं हंसेगा। मैं पहले बता रहा हूँ भाई मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा अजीब होगी। एक टाइप से ना मैं डबिंग करूंगा भाई, डबिंग में ना बड़ी दिक्कत सी होगी एंड मेरे को पता है इसमें आवाज नहीं आएगी सिम्बा की, तो मैं ना किसी भी बाइक के साउंड वगैरह डालने की कोशिश करूंगा भाई। अच्छी हुई तो ठीक है, नहीं तो भाई बेकार है और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। ओ कितना प्यारा रोड है ब्रो, सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना भाई, बता भी नहीं सकता मैं तो। मतलब अगर तुम्हें कैमरे में पूरा दिख रहा है ना तो भाई जाहिर खुद ही कर लो कि कितना प्यारा मौसम हो रहा है, क्लाउड्स वगैरह दिख रहे हो भाई। सर जल्दी से जल्दी अपनी बीच को ना यही है कि भाई मैंने इंटरनेशनल वाला पेज भी फॉलो करता हूँ बिकॉज भाई अब ये इसके हैशटैग भी मैं न्यूयॉर्क वगैरह का डालूंगा भाई, क्या पता वायरल हो जाए। साला इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया से बाहर ही हो जाए भाई। वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। वो भाई सिर्फ 150 घंटे बचे, सिर्फ 150 घंटे तुम्हारे भाई का चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। मतलब भाई 150 भी नहीं कह सकता मैं तुम्हें, उससे भी मतलब थोड़ा सा ज्यादा होगा ना ना भाई लोग। 2819.3 है भाई, 819.3 मतलब समझ लो 100 कुछ घंटे बचे हैं TDR होने में भाई। 3 ईयर के बाद 4 ईयर करने में मोनेटाइज होगा बट 3 ईयर में ना भाई मैं ना थोड़ा ना ये चैनल का ना इज्जत बढ़ जाएगी भाई, एलिजिबिलिटी आ जाएगी भाई। बाकी लगाओ फोन, चल 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 चल। बाकी कल शाम को ना भाई लोग मैंने YouTube पे कमेंट करा था भाई मेरे को ना बाइक का नाम बताओ कौन सी बाइक लाऊं मैं ब्लॉग के अंदर, तो भाई भाई ने कमेंट करा, दो भाइयों ने कमेंट करा, दोनों भाइयों ने मेरे को ऐसा इतना बढ़िया कमेंट करा। क्या हो गया तेरे को, बस घोड़ा तेरे बापे का घोड़ा। चल बे स्कोडा पीछे को हो जा। बूम वो कि भाई इतनी धूप में ना शायद दिख रहा हूँ मैं, तो मैं कमेंट दिखाओ कल भाइयों के। तो ये हम आ गए हैं कम्युनिटी पे एंड ये है जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ भाई, और भाइयों ने कमेंट करा भाई। एक भाई ने करा संजू भाई ने, संजू लड़का लड़की यार देखूँ जरा मैं। हाँ लड़का भाई, चप्पल लाल रखी बंदे ने। बाकी संजू भाई ने लिखा 125 NS एंड भाई दूसरे भाई ने तो अपने यूजर नेम ही डाला, बहुत बहुत अजीब से यूजर नेम है। सिम्बा के ऊपर लो भाई और फिर से सिम्बा नाम लिखाओ NS पर भाई, जरूर भाई जरूर लगाऊंगा।
भाई उस नाम की बात कर रहा जो मैंने ना यहाँ पे सिम्बा लिखवा रखा था भाई। मैंने ना वो सिम्बा ना यार इसलिए हटा दिया क्योंकि यार विराट राइडर फिर दिखता नहीं है यार। मैं शॉर्ट्स वगैरह के चक्कर में बैठा था कि मैं शॉर्ट्स डालूंगा ना तो उसमें विराट राइडर नाम झलकेगा, लेकिन मेरे को शॉर्ट्स बड़ी भद्दी लगी भाई क्या बताऊँ मैं। कोई नहीं भाई, अगर यहाँ सिम्बा ना हुआ मैं यहाँ लिखवा दूंगा, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। यहाँ तुम्हारा नाम भी लिखवाऊंगा बीस्ट, या मैं थोड़ा सा ना इसमें क्रैक वर्जन करने वाला हूँ तरीके से। या भाई अक्टूबर आने वाला है, यहाँ पे गर्मी का ना नामो निशान नहीं गया भाई, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं गया, थोड़ा सा भी नहीं गया। बाकी भाई मैं एनएस की डबिंग करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा अंग्रेज कैसे हंसेंगे या रोएंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बस भाई अंग्रेज तक पहुंच जाए वीडियो यार। भाई लोग देख रहे हो कितनी लंबी उम्र अंग्रेज, यहाँ दिख भी गए भाई। वाह 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 वाह, एक अंग्रेजी लाठी लेके चल रही है, बुजुर्ग होगी भाई। भाई लाइफ की ना सबसे बढ़िया असूल बता दो भाई, अगर तुम्हें व्लॉगिंग करनी है ना तो मेरे भाई मोटो व्लॉगिंग से बढ़िया कोई व्लॉगिंग नहीं है भाई। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग के अंदर जितना इंटरेस्ट आता है ना भाई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता होगा भाई। यहाँ पे ना एक से एक व्यू रिव्यू, मतलब हर तरीके की चीजें देखने को मिलती है यार। एंड भाई इसमें ना कंटेंट वगैरह भी आपको मिल जाते हैं भाई। एक टाइम के व्लॉगिंग के लिए आप अगर घर से निकलोगे ना, आप पे जब तक पैसे नहीं है या कहीं जा नहीं रहे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। बट मोटो व्लॉगिंग ऐसी चीज है जो इसमें भाई आपका एंजॉयमेंट है, सबसे बड़ी बात तो बाइक चलाने को मिलती है, और भाई सबसे इससे भी बड़ी बात अगर तो आपका चैनल हो गया ग्रो, तब तो भाई आपको पता है आपके पास हायाबूसा का भी पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, बाइक पे बैठो और निकलो। बट इसके अंदर ना असली दिक्कत यार एक दो रूल्स की है। रूल नंबर पहला कि ना भाई आपको ना गर्मी हो सर्दी हो धूप हो डेली निकलना ही पड़ेगा भाई। तुम्हारा बाइक नहीं निकलता काम चोर है वो बात अलग है, लेकिन तुम्हें निकलना पड़ेगा भाई मोटो ब्लॉगिंग के लिए। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा था तब मैं डेली निकलता रहा भाई, चाहे सुबह हो शाम हो। इसके अंदर कुछ है ही नहीं भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोलना बोलना है और थोड़ा अपने शक्ल थोबड़ा वगैरह दिखाना तो दिखा दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मोटो ब्लॉग तो भाई वो भी नहीं मांगता तुमसे, सही बताऊँ तो। भाई देखो मैं ये भी नहीं बोलता कि भाई KTM जैसी बाइकों पे क्यों नहीं देखते लोग, भाई देखते जरूर देखते हैं। बट भाई मैं ये भी नहीं बोल सकता कि भाई अगर आपके KTM नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता यार। अब मेरे पास KTM नहीं है, मैं तरसता हूँ, बट ये तो नहीं यार मैं आगे कोशिश नहीं करूँगा। मैंने NS125 भी इसी चक्कर में लिया भाई, किस्तों पे ले रखी है। ये वो मजाक नहीं है कि यार मेरे पे बहुत पैसा है, मैंने 125 ले ली, उसके बाद ये ले ली वो ले ली, मैं मतलब चेंज कर करके। भाई चेंज करने के लिए भी जिगरा चाहिए, इसकी किस्तें पूरी नहीं हो रही भाई, एक साल की किस्त हुई है, दो साल की बची है, ये मजाक की चीजें नहीं है यार। बाकी तुम्हारा भाई ना एक बहुत बड़ा बम्पर सरप्राइज ला रहा है, तुम्हारा भाई अपनी पूरी कंपनी खड़ी करने वाला है। एंड वो कंपनी होगी भाई अपने भाइयों से क्या ही सरप्राइज छुपाओ भाई, सरप्राइज भी नहीं है, भाइयों को सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ भाई। तुम्हारा भाई ना परफ्यूम का काम खोलने वाला है, वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, बड़े लेवल पे, पूरी वेबसाइट वगैरह सब डेवलपमेंट कर रहा है। बिकॉज भाई तुम्हारा भाई ऑलराउंडर है, तुम्हारे भाई को डिजिटल मार्केटिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, एनिमेशन आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, सब आती है भाई, करता नहीं हो बात अलग है। बट मैं इन सब के कोर्स करके इन सब की जॉब्स वगैरह करके इस दीन दुनिया से मोह माया से दूर हो चुका हूँ, तुम्हारे भाई को गवार वगैरह मत समझना। हाँ बस ये है कि गवारों वाली हरकत हो चुकी है अब हमारी, बात अलग है। बाकी भाई मेरे को ना कमेंट वगैरह में बताओ तुम्हारा भाई परफ्यूम का जो ब्रांड खोल रहा है उसका नाम क्या रखा है, बिकॉज भाई अभी ना परफ्यूम वगैरह का काम चल रहा है, ब्रांड का काम नहीं हुआ। एंड भाई तुम्हारा जो भाई परफ्यूम देगा ना भाई आँख बंद करके खरीद लेना, आँख बंद करके, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। देखो फ्री देने के लिए मेरे पास इस टाइम इतनी अर्निंग नहीं है कि भाई मैं तुम्हें फ्री बांट सकूँ, नहीं तो भाई तुम्हारा भाई इतना दयालु है ना, भगवान की कसम कह रहा हूँ मैं इतना फ्री में बांटने को रेडी हो जाता मैं। बट तुम्हारा भाई ना इस टाइम ना अर्निंग के लिए पागल हुआ पड़ा भाई, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी मैंने सारे लगा दिया इस चीज़ पे। बस अगर कोई ये पूरी वीडियो देख रहा था तो भाई कमेंट में ये ज़रूर बताओ कि भाई मैं परफ्यूम का नाम क्या रखूँ भाई, और नाम देना मेरे को 4 से 5 वर्ड का, ज़्यादा बड़ा ना हो लेकिन यूनिक हो भाई, ऐसा हो जो मतलब मेरे को जिसका कमेंट पसंद आया मैं उसके नाम से अपनी कंपनी खोल दूंगा भाई। बहुत बड़ी बात होगी कि परफ्यूम की पूरा ब्रांड खोला है उस भाई के कमेंट की वजह से, पूरे एक बकायदा मैं भाई सबको दिखाऊंगा ये भाई की आईडी। अगर वो भाई ने प्रमोशन वगैरह करवाना होगा उसका फ्री प्रमोशन भी कर दूंगा भाई, बस मेरे को इतना प्यारा नाम चाहिए भाई, बस वो तुम देख लो। जैसे मैंने ना किंग का परफ्यूम देखा था ब्लैंको के नाम से, किंग तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ब्लैंको बहुत अच्छा नाम है, बड़ा यूनिक सा नाम है, कुछ इसी तरह का नाम बताना भाई। एंड जब तुम्हारे भाई की वेबसाइट डेवलप हो जाएगी ना पूरी, तो परफ्यूम का हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, एंड हमारा काम होगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भाई, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में पूरे घुमाएंगे। सो भाई आंख बंद करके वो बोले परफ्यूम खरीद लेना भाई, मैं प्रॉमिस कर रहा भाई अब तुम्हारे को ये नहीं बता सकते उस तरह का परफ्यूम की तुमने स्मेल सूंघी है कि नहीं, बट भाई जो मेरा परफ्यूम होगा ना वैसा परफ्यूम तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा भाई, कहीं भी। मैं ऐसा फ्लेवर बनवाऊंगा ना उनमें भाई जो कि तुम्हें कम से कम 2800-2900 की रेंज में पड़ेंगे, बट भाई तुम्हारा भाई 599-699 इस टाइप की रेंज रखेगा। रेंज तो ज़्यादा होगी बट मैं डिस्काउंट्स में चलाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे को डिस्काउंट का ऑफर डालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत घाटा खाना पड़ेगा, बट एक बार मेरा ब्रांड प्रमोट हो जाएगा ना उसके बाद मैं वापसी उसी रेट पे लगा दूंगा, बिकॉज भाई इसमें बचत नहीं है इतनी। तो बस तुम भाई उसे ना एक ही आशा कि भाई कुछ करो ना करो मेरा साथ मत छोड़ना भाई,
मैं सिर्फ तुम लोगों की वजह से इस टाइम ना बैठा हुआ कि हाँ भाई मेरे भाई मेरे को देख रहे हैं, मेरी एक आस है बहुत बड़ी, एंड भाई लोग ये आस ना कभी मत तोड़ना यार। बाकी भाई ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड, भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब करना भाई, भाई बन गया कर देना यार, एंड मेरे को कमेंट में नाम जरूर बताना भाई। सो टाटा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।